हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे आप इस दुपट्टे से केप टॉप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये दुपट्टा लेना है, उसे फूल में फोल्ड कर लेना होगा इस तरह। उसके बाद अपना कोई भी टॉप लीजिए और फोल्डेड साइड के दुपट्टे को फोल्डेड साइड का टॉप रख उसके ऊपर प्लेस कर लीजिए। उसके बाद आपको सारी मार्किंग देनी होगी 1 इंच का गैप छोड़ के फॉर हेमिंग। तो यहाँ पर मैं आर्म होल, नेक और साइड्स की मार्किंग दे दूँगी विद द हेल्प ऑफ द चॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मार्किंग दे रही हूँ। मार्किंग देने के बाद आपको सीजर की हेल्प से उसे सिंपली कट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना टॉप का केप टॉप के इनर का कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपको जितनी भी रॉ एजेस है जैसे कि नेक, आर्म होल और बॉटम, उसे 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लेना है और साइड्स और शोल्डर्स भी हेम कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कर लिया है बॉटम, साइड, शोल्डर्स और मैंने नेक और आर्म होल सारी चीज़ें कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हम केप की कटिंग करेंगे। बचा हुआ कपड़ा लेंगे, हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है जैसे हम अपना अम्ब्रेला टॉप करते हैं और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है क्योंकि हम पूरे नेक में नहीं लगाएंगे केप, आगे से हम थोड़ा ओपन रखेंगे। तो इसलिए इतने गैप के लिए मैंने ये कपड़ा छोड़ा है और ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करेंगे वहाँ पे। उसके बाद जितनी भी लेंथ है उस हिसाब को आपको पूरे केप में कर लेना होगा अपना फ्रंट साइड का देख के, और उसके बाद एक राउंड शेप हो देना होगा। तो यहाँ पे मेरा 17 इंच है तो मैं 17 इंच ईच साइड से लूँगी और उसे मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है राउंड में। उसके बाद आपको उसे कट कर लेना होगा सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपना कपड़ा लेंगे जो इनर है वो उसको इस तरह आपको ऊपर से प्लेस करना होगा और वहाँ पे अगेन आपको चॉक की हेल्प से उसे मार्किंग कर लेनी होगी और उसके बाद आपको सीजर की हेल्प से उसे कट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सीजर की हेल्प से इसे सिंपली कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको फ्रंट साइड से लगाने में शुरू करना है, बीच में थोड़ा सा गैप देके और पूरा लगाना है। और नीचे अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेस लगा सकते हो या बड़ा कपड़ा भी ले सकते हो। तो ये करना है तो आपको इसे अंदर की ओर इस तरह प्लेस करना होगा, अंदर की ओर फ्रंट साइड से, और बीच में आपको लगाना होगा इस तरह, और पूरे साइड आपको नेक में उसे हेमिंग देनी होगी। एक ही अंदर डाल कर आपको हेमिंग देनी होगी फॉर मच नीटर लुक। तो आपको इस तरह से पूरा हेम कर लेना होगा। हेमिंग आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेमिंग कर ली है। अब आप लेस भी चाहे हो तो ऐड कर सकते हो इस तरह की गोल्डन लेस, या तो फिर आप सिंपली इस तरह 1 इंच अंदर डाल के पूरी जगह हेम कर सकते हो। लेंथ बनाने के लिए आप लेस, टैसल कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टॉप बिल्कुल रेडी है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें और मुझे सजेस्ट करें मैं आपके लिए किस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।